नमस्कार, मैं सुधाकर भट्ट हूँ और आप देख रहे हैं बारह मास। आज हम पहुँचे हैं टिहरी गढ़वाल के ढूंढदार में स्थित शिवरी गांव में। मान्यता अनुसार ये गांव शिव के सिरहाने पर स्थित है। क्या है इसके पीछे का इतिहास, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस इतिहास को जानने व समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा ढूंगवा मोल्ठा का इतिहास, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बात करते हैं इस गाँव के बारे में। किसी कालखंड में राणा जाति के चार भाई कंडोगी में रहा करते थे। उनमें से तीन भाई किसी कारणवश उस स्थान को छोड़कर ऊपर की ओर बस गए, जो कि वर्तमान में ढूंगथाती के निकट पिलखा नामक स्थान है। फिर कुछ समय बाद ढूंगथाती में चांदपुरगढ़ से थोकदार रावत भी आकर बस गए। 18वीं सदी के प्रारंभ में हुए गोरखा आक्रमण के दौरान थोकदार रावत थाती छोड़कर ऊपर की ओर जाकर रहने लगे, जहां आज ढूंग गांव है। धीरे धीरे राणा और थोकदार रावतों के मध्य विवाद शुरू होने लगा। विवाद आगे बढ़ा तो राणा लोग ढूंग छोड़कर ऊपर एक पहाड़ी पर जाकर बसे, जिसका नाम आज स्यूरी है। रावतों को यह बात नागवार गुजरी तो वह स्यूरी के सामने ऊपरी हिस्से पर बस गए, जो आज रोतू का डांडा नामक स्थान से जाना जाता है। रावतों और राणाओं के मध्य ऊपर नीचे रहने वाला विवाद यहीं नहीं रुका। राणा रावतों से ऊपर बसने के लिए स्यूरी से ऊपर खंडार खोली नामक स्थान पर बस गए, तो रावतों ने उनसे ऊपर जाने की सोची और उससे भी ऊपरी हिस्से में चले गए, जो आज खबोगी नाम से प्रचलित है। आखिरकार राणाओं ने सबसे ऊपर बसने की ठानी और कैलाश नामक पर्वत की आखिरी चोटी के जुणगी नामक स्थान पर बस गए। पर्वत खत्म हो गया तो आगे चलकर थोकदार रावत खबोगी छोड़कर वापस ढूंग आ गए और राणा भी जुणगी छोड़कर वापस स्यूरी में ही आकर बस गए, जहां पर राणा ढूंग गांव छोड़कर पहले आकर बसे थे। उस स्थान को आज भी मुंडियाल चौक नाम से जाना जाता है। राणाओं का भाई जो अभी तक भी कंडोगी में ही रह रहा था, वह भी अपने भाइयों के साथ स्यूरी आकर बस गया। हालांकि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कंडोगी में जो वर्तमान में राणा जाति के लोग रहते हैं, वह स्यूरी के राणा जाति के लोगों से अलग है। 16वीं शताब्दी के दौरान ढूंग में भूखंडेश्वर महादेव अवतरित हुए, तो मान्यता है कि भूखंडेश्वर महादेव मंदिर में जो पानी निकलता था उसका मूल स्रोत स्यूरी में ही है, इसलिए उस स्थान को भूखंडेश्वर महादेव का सिरहाना माना जाता है और शिव के नाम से ही स्यूरी नाम की उत्पत्ति हुई ऐसा कहा जाता है। भूखंडेश्वर महादेव व क्षेत्रपाल देवता, जिनके संबंध में हम ढूंग के इतिहास में पहले ही बता चुके हैं, पुराने लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पहले क्षेत्रपाल देवता का नाग ढूंग से होकर स्यूरी के श्रियाण नामक स्थान तक जाता था। क्षेत्रपाल नाग वहां पर स्नान किया करते थे, जिसकी आहट से पूरा गाढ़ गदेरा गूंज उठता था। मान्यता है कि नाग दूर से स्पष्ट दिखाई देता था, लेकिन नजदीक जाने पर अदृश्य हो जाता। वहां पर आज भी दो शिलाएं मौजूद है, जिन पर के नाग के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। उन शिलाओं का सम्मान आज भी सब लोग करते हैं। आजादी के बाद लोकतंत्र में जब पंचायतों का गठन हुआ, तो उस वक्त स्यूरी और बड़ौन गांव एक ही ग्राम सभा थी, और स्यूरी के जो पहले ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए वे थे नंदा सिंह राणा जी। हालांकि आगे चलकर परिसीमन हुआ तो उसके बाद स्यूरी और बड़ौन गांव अलग अलग ग्राम सभाएं बनी। सन 1962 में यहां प्राथमिक विद्यालय बना। 2007 के आसपास यहां पर बड़ौन गांव के निकट छुइया माणी नामक स्थान से सड़क मार्ग आया। उससे पहले यहाँ के लोग सिमंडीदार पैदल ही आवाजाही करते थे और घोंटी बाजार भी माणी होकर निर्वाल गदना से ढूंग बड़वाली होते हुए पैदल आवाजाही किया करते थे। देवताधार से मोल्ठा गांव होते हुए रोतो का डांडा के समीप तक एक सड़क बनी हुई है, लेकिन जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद के चलते यह आगे स्यूरी की सड़क तक नहीं मिल पाई, यह अभी तक लंबित है। स्यूरी की सड़क आगे कगरचा खाल तक है। अगर मोल्ठा गांव वाली सड़क स्यूरी की सड़क तक पहुंचती है और कगरचा खाल से आगे खोला तक बन जाती है, तो केमर बासर को ढूंग मंदार पट्टी से सीधा जोड़ा जा सकता है। साथ ही ढूंग मंदार के कुछ गांवों को चमियाला घनसाली जाने में कुछ किलोमीटर का फासला भी कम हो जाएगा, खासकर चमियाला तो बहुत नज़दीक हो जाएगा।
सूरी के ऊपर कैलाश नामक जो पर्वत है, मान्यता है कि उसका उल्लेख केदारखंड में भी है। यहाँ पर एक छोटा सा मंडला भी स्थापित है। वह इस मंदिर के अंदर एक शिला भी मौजूद है, जिसे स्थानीय लोग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ ध्वजा फहराने की परंपरा है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस मंदिर का खैट व पीढ़ी मंदिर की तर्ज पर पुनर्निर्माण किया जाए।